उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान इन दिनों सर्वथम संभाव का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जब मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली इलाके के किराना रोड स्थित ब्रेक पॉइंट रेस्टोरेंट संचालित प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आबिद सैफी तहदिल से सेवा कर रहे हैं। इन दौरान विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी पंकज वालिया ने बताया कि गत कई सालों से ब्रेक पॉइंट संचालक सुखचैन वालिया द्वारा कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है। आज शिविर में उनके मित्र डॉक्टर आबिद सैफी ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ कांवड़ियों की मसाज व थेरेपी आदि पद्धति से सेवा की गई। इस दौरान डॉक्टर राजदयाल, डॉक्टर देवेश दयाल, जीवन ज्योति अरोरा, सीमा गर्ग, सुरेंद्र तोमर आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर किराना रोड पर स्थित ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर कुशांग चौहान द्वारा आयोजित कांवड़ चिकित्सा शिविर में डॉक्टर बाबर चौहान व डॉक्टर नदीम भी दिलोजान से घायल व थके कांवड़ियों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसी के साथ लोकदल विधायक असफर अली भी शिविर में कांवड़ियों की सेवा करते नहीं थक रहे हैं। आज करौंदा आहाती भट्टे पर हिरनवाड़ा में ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे कांवड़ सेवा शिविर में रालोद विधायक अशरफ अली खान व अन्य ग्रामीणों द्वारा कांवड़ियों को रसमलाई के प्रसाद का वितरण किया गया। कांवड़ सेवा शिविर में ग्रामीणों द्वारा कांवड़ियों के लिए जलपान, भोजन, पेयजल, स्नान व चिकित्सा की सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अब्दुल गफ्फार, ग्राम प्रधान नीरज आदित्य राणा, पूर्व प्रधान उपेंद्र मलिक, कन्वर पाल शर्मा, सत्यपाल प्रेमपाल उर्फ मोनू सुंदर, लीलू फौजी, रामू पंडित, सोनू पाल बाबरी, सूरज पाल धर्मेंद्र, रामलाल, चतर सिंह हलवाई, ऋषि पाल करौंदा आदि मौजूद रहे। दूसरी ओर NHE कंस्ट्रक्शन कंपनी देहरादून कॉरिडोर द्वारा कांवड़ सेवा शिविर चलाया जा रहा है। शिविर में कंपनी के प्रबंधक दीपक राणा द्वारा कांवड़ियों के लिए केसर दूध, केसर खीर, पनीर, जलेबी, छोले, चावल आदि व्यंजनों की व्यवस्था की।